नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो गाइस फाइनली ध्रुव राठी ने रिप्लाई दे दिया है एल्विश यादव को, जहां एल्विश यादव ने रोस्ट वीडियो निकाला था और ध्रुव राठी को कुत्ता बोल दिया था और बोला था कि उनके पास ग्रुप्स है ऐसे व्हाट्सएप जहां पे वो रिपोर्ट करवाते हैं, कॉपीराइट क्लेम दिलवा देते हैं, किसी वीडियो को डाउन करवा देते हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए ध्रुव राठी ने अब क्या कहा है, मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे, किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा। कहलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्त, कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं। कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से है। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोज को देख रहे थे वो इंडियन रहने वाले। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि पैसे बर्बाद करूंगा बॉट। और वहीं गाइस हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में डिवोर्स केस के बीच में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नताशा ने वापस से जो फोटो हटाई थी अपनी और हार्दिक पांड्या की, वापस से रिज्यूम कर लिया है। और वहीं पर आप उनके अकाउंट पे वो चीजें देख सकते हैं जो पहले थी। तो अभी खुशखबरी भी हो सकती है, जहां पर हार्दिक के बीच में सारी चीजों का उलट फेर हो रखा था। तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आ जाओ, कम ऑन, एक एक करके आ जाना। तो गाइस वापस से थारा भाई जोगेंद्र गुस्सा हो गए हैं फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान पे। आपको पता ही है ट्रिगर इंसान पे और फुकरा इंसान पे गुस्सा क्यों होते रहता है, क्योंकि वो दोनों रोस्ट करते रहते हैं। और वहीं पर थारा भाई जोगेंद्र ने अभी रोस्ट करा था फुकरा इंसान को, तो उन्होंने तो रिप्लाई कर दिया था, बट वहीं पर ट्रिगर इंसान ने अब उनको वापस से रोस्ट कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने क्या कहा है अपने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करके, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। अगर कोई सा भी यूट्यूबर या न्यूज छापने वाला बीच में आ गया ना, एक एक को लपेट दूंगा। ट्रिगर इंसान, दिखाऊं तेरी औकात क्या है, और तेरा भाई फुकरा इंसान की औकात क्या है। तुम लोगों का यूट्यूब चैनल थारा भाई जोगिंदर के नाम से भरा पड़ा है, तुम लोग पैसा खा रहे हो ना, कमा रहे हो जोगिंदर के नाम से। तूने रोस्ट निकाला ना आज ये यूट्यूब पर। मेरी बात सुन, वीडियो डिलीट मांगता है थारा भाई जोगिंदर। कुछ भी करो, कैसे भी करो, 15 मिनट के अंदर वीडियो डिलीट। अगर तूने 15 मिनट के अंदर वीडियो डिलीट नहीं की, तो सोशल मीडिया के अंदर वो तूफान आने वाला है जो आज तक इतिहास में नहीं आया। तुम लोगों ने मेरे को रोस्ट मारा है, और अपने भाई फुकरा इंसान को बोल देना, बेटा बाप और बेटा में दिन रात का फर्क होता है, जो मैं कर रहा हूँ वो करके दिखाओ सोशल मीडिया के अंदर। भोंकने से कुछ नहीं होता, तुम लोग एक कमरे के अंदर बैठ के रोस्ट मारते हो जो कोई भी मार सकता है। मैंने तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई, तुम्हें कुछ बोला, अब तुम लोग आगे से वीडियो बना रहे हो।